नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर जो कि कोंडा गांव से है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मर्दापाल थाना क्षेत्र के तुमड़ीबार गांव के जंगलों में चल रही थी ये मुठभेड़। आधे घंटे से जारी है ये मुठभेड़। कोंडा गांव मैनपुर का बॉर्डर क्षेत्र में ये मुठभेड़ चल रही है। एसपी सुजीत कुमार ने इसकी पुष्टि की है। डीआरजी की टीम से चल रही यह मुठभेड़। आपको बता दें, कोंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर, डीआरजी की टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। और आपको बता दें कि नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मर्दापाल थाना क्षेत्र के तुमड़ीबार गांव के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। कोंडा गांव मैनपुर का जो बॉर्डर क्षेत्र है, उसमें पुलिस कर्मियों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। डीआरजी की टीम लगातार मुठभेड़ में नक्सलियों को जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम कोंडा गांव से आपको बता रहे हैं। लगातार डीआरजी की जो टीम है वो इन पर नजर रखे हुए थी, और ऐसे में एक बार फिर से कायराना हरकत नक्सलियों के द्वारा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए आशुतोष तिवारी। आशुतोष, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? क्या कुछ खबर है, कितने नक्सली हैं? देखिए, चित्रकूट में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वही नक्सली खलल डालने के लिए कोंडागांव जिले में यहाँ पर पहुंचे हैं। मर्दापाल जो है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर मुठभेड़ यहाँ पर हो रही है डीआरजी की टीम के साथ और नक्सलियों के साथ यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना की यहाँ पर सूचना फिलहाल निकल के नहीं आ रही है। किसी नक्सलियों के मारने की या फिर कोई भी जवान के हताहत होने की यहाँ पर सूचना फिलहाल अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुठभेड़ जारी है। और कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीआरजी की टीम के साथ अगर मुठभेड़ होता है तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को नुकसान यहाँ पर पहुंचता है। तो ये मुठभेड़ रुकने के बाद ही अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर, वहाँ सूचना निकल के आना काफी समय लगता है। हालांकि जो सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार अभी मुठभेड़ जारी है, और कोंडागांव एसपी हैं, उन्होंने भी पुष्टि कर चुके हैं कि मुठभेड़ जो है अभी चल रही है। और ये मुठभेड़ थमने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कितने नक्सली मारे गए हैं या फिर किसी नक्सली को पकड़ा गया है या कोई हथियार बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ रुकने के बाद ही सर्चिंग के दौरान मालूम पड़ सकता है कि क्या कुछ वहां पर हालात थे। जी, चलिए, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।